अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर रायसेन स्थित जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र परिसर में सामाजिक न्याय विभाग ने शतायु सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा और नगर पालिका अध्यक्ष सविता जमुना सेन ने सरस्वती पूजन कर शुभारंभ किया। आदित्य रिछारिया अपर कलेक्टर दिव्या भलाथ्री डिस्ट्रिक्ट लेबर एडवाइजर भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में दो शतायु वृद्धजनों को एक एक हजार रूपये की शतायु सम्मान राशि और शॉल श्रीफल साफा बांधकर उनका सम्मान किया। इसके साथ नारायण प्रसाद श्रीवास्तव को भी महात्मा गांधी वृद्ध आश्रम में उत्कृष्ट कार्य करने और सभी वृद्धों को सहयोग प्रदान करने के लिए भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम वृद्धजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का और अन्य गतिविधियों की जानकारी देने पहुंचे। इस अवसर पर जमुना सेन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मोनिया पार्षद फादर जैन संचालक महात्मा गांधी वृद्धाश्रम जिज्ञासा संस्था के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक समिति कोमल प्रसाद भी मौजूद रहे। शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे वृद्धों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शासन के निर्देश है कि 100 साल से सदाई प्राप्त होते हैं, मतलब नगद राशि 1000 रूपये का दिया जाए तथा साल से उनका स्वागत और सम्मान करना है। साथ ही साथ में जो वरिष्ठ नागरिक है उनको फूल मालाओं और उनका सम्मान करना है।